कारीमाटी बस्ती टोली। तो हमर घर इतना स्थिति है, हम गरीब आदमी हैं, बहुत से बहुत गरीब आदमी आए। तो हमर घर में 8 दिन से खाना भी नहीं रहे और चूल्हा भी नहीं जल रहे हमर घर से 8 दिन में। हमारे गांव के बदनाम कर दे थे और भेड़ के रखवा दे थे और ये बयान दे दिलक कि भूख से नहीं मर है, भूख से मर है कह के बयान दे अथी दवाई दिलक, बीमार से मर है से लड़की के कह के दीदी के बारे नाम केस दे के लागिन झूठा औरत बना खोजत है हम के बीमार से मर है। कोई के बोला कोई के हमको बहुत तरह तरह से हमको बोला के लागत हम। तो हमें भूख से मर है मोर बहन, तो हमें भूख से मर है नहीं कह कहें हमें बीमार से मर गए। जब बीमार मोर बहन के हे नहीं रहे तो कैसे हम बीमार से मर कह के बोलब। हमर बहन भूख से मर है, एक बार आन लगिन मोर बहन भात भात कहते हुए मोर बहन का जान चल गया। मैं आपको ये बता दूं कि आज कोयली देवी और गुड़िया झारखंड से आई हैं और पूरे झारखंड में रघुवर की सरकार, जो बीजेपी की सरकार चल रही है, जो मुद्दा हमने उठाया है राइट टू फूड, भोजन के अधिकार के तहत, इस मुद्दे पर किस तरह से उन्होंने ढापा आज तक और अभी तक ना तो कोयली देवी ना ही गुड़िया का स्टेटमेंट सरकार को दिया गया। बल्कि केंद्र में भी अगर सरकार ने रिपोर्ट मांगा कि ये मुद्दा उठा है तो इसका रिपोर्ट दिया जाए, लेकिन बीजेपी सरकार ने भोजन के अधिकार के तहत अपने आधार कार्ड को लेकर इस मुद्दे को ढांपने की कोशिश की और अब तक कहीं भी कोयली देवी का स्टेटमेंट उन्होंने सरकार को केंद्र में या राज्य में नहीं सौंपा। और आज भी अगर कोयली देवी और गुड़िया आई है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि ये डरते हुए बिना बताकर बिना बोले गांव से निकल कर आई है। इनके ऊपर पुलिस प्रोटेक्शन है, वहाँ इन्होंने ये कहा कि हम 5 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं और इनका स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी था पूरे दुनिया के सामने लाने के लिए कि सरकार किस तरह से हमारे ऊपर शोषण कर रही है। आप सबों से सबसे पहले एक सवाल करना चाहती हूँ। हम संविधान की बात करते हैं और पूरे देश में 26 जनवरी के लिए झंडा फहराते हैं, संविधान की बात करते हैं और मौलिक अधिकार की बात करते हैं। और जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं राइट टू फूड भी आता है, भोजन का अधिकार भी आता है। तो आप हमें ये बताओ, क्या हम अपने मौलिक अधिकार और संविधान की बात के लिए अगर हम लड़ाई लड़ते हैं, अगर हमारा देश का एक नागरिक अपने पेट के लिए, अपनी भूख के लिए वो लड़ाई लड़ता है, तो क्या वो देशद्रोही कहलाता है? आप सबों से मैं ये सवाल कर रही हूँ, क्या हम अपने जीने के लिए, अगर अपने पेट के लिए, अपने भूख के लिए सरकार से हम कहते हैं कि भोजन के अधिकार में हमें नरेगा, राशन, पेंशन, आंगनबाड़ी में जो मिलने वाला अनाज है, मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन मिलने वाला अनाज है, उसके लिए अगर हम नागरिक लड़ते हैं तो क्या हम जनता देशद्रोही हैं? तो फिर आज मैं झारखंड से हूँ और मैंने इस सवाल को, आज 11.5 लाख राशन कार्ड हमारे झारखंड में रद्द कर दिया गया सिर्फ आधार कार्ड शेडिंग ना होने के कारण। कई गरीब लोग राशन नहीं उठा पा रहे और इसी की एक वजह आपके सामने संतोषी की माँ आज यहाँ पे आई है। और आज मुझे भी झारखंड के रघुवर दास बीजेपी सरकार ने देशद्रोही करार किया और मुझ पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मैंने कुछ दिन पहले इन लोगों को खुद प्रशासन ने परेशान किया और घर से बाहर निकाला और उस पर मुझे ये लगा दिया गया कि मैंने इस परिवार को अगवा किया, जबकि वो डर के मारे उस परिवार को डरा के पहले वो साइड कर चुके थे। और उसके बाद पूरे जिले में इतनी बदनामी की गई, कम से कम 1 महीने तक सिर्फ मेरे मीडिया में ये आता गया कि तारामणि देशद्रोही है, उसने देश को बदनाम करने का काम किया है क्योंकि उसने राशन के मुद्दे को उठाया है, इसलिए तारामणि ने देश को बदनाम किया, जो कि हमारा अधिकार है और हम हमेशा अपनी राइट की बात करते हैं। तो कहाँ है हमारा अधिकार? अगर कोई महिला अपने राइट की, अपने अधिकार की बात करती है तो उसके खिलाफ लोगों घर पे जाकर ये कहा जाता है कि हमने आपकी बहू को बदनाम कर दिया है, आप अपनी बहू को घर से निकाल दीजिए क्योंकि वो पूरे देश में बदनाम हो चुकी है, आप उसके बेटे को भी घर से निकाल दीजिए क्योंकि वो बदनाम हो चुकी है। तो क्या ये
हमारा अधिकार है, हम अगर महिला है तो क्या ये हमारा दोष है? क्या हमारा मौलिक अधिकार नहीं? किस मौलिक अधिकार पे, किस संविधान पे ये लिखा है कि महिला आवाज नहीं उठा सकती, महिला अपने संविधान और अधिकार की बात नहीं कर सकती? तो आप सबों के सामने ये मेरा रखने का बस यही बात था कि आज हम अगर अपने अधिकार की बात करते हैं तो हम देशद्रोही कहलाते हैं, और इसके खिलाफ हम सबों को आवाज़ उठानी चाहिए। ना ही ये सिर्फ झारखंड की बात है, कहीं ना कहीं पूरे देश में ये बात लागू कर दी जाती है कि हम महिला अगर अधिकार की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं देशद्रोही करके हमें दबा दिया जाता है। ये संविधान हमारा है, किसी के बाप का नहीं है, किसी के बाप का राज नहीं है जो हमारे संविधान का हनन करे। मनरेगा पर हुए काम के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। ग्राम पंचायत तालुका कचहरी पर मोर्चे निकाले, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा पैमाने पे महिलाओं को उतारा, उसमें सफलता मिली। जैसे कि रास्ते बनाने का काम मिला, खेतियों में मिट्टी के बांध बनाने का काम मिला, जो पानी बचाओ जो बंधारा बनवाते हैं उसका काम मिला, जंगल में फूल के पेड़ लगाने का काम मिला, साग लगाने का काम मिला, और जो बांबू के पेड़ रहते हैं वो लगाने का काम मिला। पर उसमें जो वेतन है, जो रोजगार है, जो पैसे मिलने चाहिए, वो पैसे मिलाने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। जैसे कि इतना काम करने के बाद भी जो वेतन है वो बहुत ही कम मिलता है, जैसे 150 से 200 रुपये तक वहाँ पे जो वेतन मिलता है। इसीलिए बाहर ज़्यादा कमाई मिलती है, बाहर ज़्यादा पैसा मिलता है। इसी के कारण जो आदिवासी इलाकों की जो महिलाएं हैं वो बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं, जैसे कि वीट भट्टियों में ईंट बनाने के लिए जाते हैं, रेती निकालने के लिए उनका परिवार जाता है, परिवार स्थलांतर होता है, और जो वाड़ी रहती है, जो फूल की बहुत बड़ी खेती रहती है, वहाँ पे फूल वगैरह निकालने के लिए जाते हैं और वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलता है। और इसी जो मोदी सरकार ने आधार कार्ड लिंक करने की जो शक्ति की है, उसी के कारण महिलाएं भी मनरेगा में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसीलिए आंदोलन दो तरीके के होने चाहिए, एक बजट के अनुसार मनरेगा का काम निकलना चाहिए, दूसरा काम का दाम योग्य होना चाहिए। महाराष्ट्र ठाणे पालघर जिले में अलग अलग तहसील ऑफिस हो या ग्राम पंचायत हो, वहाँ पे काम मिलने के लिए हम लोग बहुत सी कोशिशें कर रही हैं और बहुत से महिलाओं के आंदोलन और मोर्चे में उतार रहे हैं।